19 तारीख से राजस्थान की विधानसभा है और नेता प्रतिपक्ष का रोल 19 तारीख से शुरू होता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होकर के बाकायदा वो काम करना चालू कर दे। आप भी क्या कोई नया प्रयोग करें नेता के रूप में कोई नई राजस्थान की सियासत में इन दिनों दो ही सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन कब होगा और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष का पद किसे सौंपा जाएगा। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है और ऐसे में इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार राजस्थान में हार का सामना किया है और हार के बाद कांग्रेस पार्टी में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बनाया गया है और अब भजन लाल शर्मा का कैबिनेट का गठन जो होगा वो कैसा होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 27 दिसंबर के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है ये दावे किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, तो वहीं 27 मंत्रियों की बड़ी टीम यहां पर तैयार की जाएगी और इन तीनों ही दिग्गज नेताओं को मिलाकर 30 नेताओं की बड़ी टीम यहां पर बनती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जाए तो 8 विधायकों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर अब सवाल ही उठ रहे हैं कि बीजेपी में देखा जाए जो सरकार यहां पर प्रदेश में बनी है, मंत्रिमंडल का गठन अब होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अब काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। इस रेस का हिस्सा कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो रहे वो अब हट चुके हैं क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस रेस में कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल रहा, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा और इनके अलावा अशोक गहलोत के कुछ करीबियों का नाम यहां पर देखने को मिला। लेकिन अब यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है, अगर वह इसी पद पर बने रहते हैं तो क्या उन्हें कोई दूसरा बड़ा पद सौंपा जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति एक पद जो यहां पर कांग्रेस का जो नियम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में वह एक ही पद पर रह सकते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने अब यहां पर नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि 19 जनवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, यानी कि 2024 की जो शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में यहां पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इस पद को लेकर क्या कुछ कहते हैं। 19 तारीख से राजस्थान की विधानसभा है और नेता प्रतिपक्ष का रोल 19 तारीख से शुरू होता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होकर के बाकायदा वो काम करना चालू कर दे। आप भी क्या कोई नया प्रयोग करें नेता के रूप में कोई नई हमारे यहां पार्टी आलाकमान सबसे चर्चा करके और जो उनको ठीक लगता है, उचित लगता है, पार्टी हित में लगता है वो जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता को देते हैं, वही जिम्मेदारी वो कार्यकर्ता वहन करता है। हमारे बीजेपी की तरह नहीं है भाई, सबसे चर्चा करके फैसला करते हैं। वहां पर तो राजनाथ सिंह जी आए, उनको जब तक होटल में आए तब तक यही पता नहीं था कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री किसको घोषित करना है। तो ये सस्पेंस जो है ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहां चर्चा होती है और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब को अलायंस की जिम्मेदारी दी गई है, माननीय सचिन पायलट जी को CWC मेंबर के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी और हमारे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, भंवर जितेंद्र सिंह जी को पहले से जनरल सेक्रेटरी और CWC मेंबर हैं उनको साथ में एक स्टेट और दिया गया है असम के साथ में, मोहन प्रकाश जी को भी प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं और रंधावा साहब हमारे
पुनः वही कंटिन्यू करेंगे, उनको भी पुनः राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं इन सब लोगों को भी मेरी ओर से भी बधाई देना चाहता हूं, और हम इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सबसे चर्चा करके और उसके बाद में निर्णय होता है, उस निर्णय पे हम सब लोग अमल करते हैं। आपने सुना कि डोटासरा ने साफ कर दिया है कि ऐलान जल्द से जल्द होगा और देखना होगा कि आखिरकार किस दिग्गज नेता को ये पद सौंपा जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।